युवा कबड्डी सीरीज मैच नंबर 50 खेला जाएगा भाई अरावली एरोज वर्सेस पलानी टस्कर्स के बीच में। दोनों टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके अगर देखना स्टार्ट करोगे ना तो यार काम करने का मज़ा हमें भी आएगा, काम करने का मोटिवेशन हमें भी मिलेगा। तो एक लाइक कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट भाई आपके लिए, कोई समस्या नहीं है, कोई आपका एक पैसा नहीं लग रहा, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, अभी के अभी लाइक वाला बटन वीडियो को देखते देखते दबा सकते हो। तो चलिए भाई बात करते हैं मैच नंबर 50 की, खेला जाएगा अरावली एरोज और पलानी टस्कर्स के बीच में। दो ऐसी टीम्स जो काफी स्ट्रॉन्ग है, वो आपको कैसे पता लगेगा वो आपका भाई आपको बताएगा कहां पर पॉइंट्स टेबल में, जहां पर भाई पलानी टस्कर्स नंबर एक की पोजीशन पर बनी हुई है। अभी तक अनडिफीटेड है, 8 के 8 मैच इन्होंने विन किया और 129 का स्कोर डिफरेंस है, +129 का। ठीक है, यहां से अगर आप बात करोगे तो अरावली एरोज आपको दिख जाएगी नंबर 3 पर, 8 मैच इन्होंने खेले, 5 मैच जीते, 2 मैच आ रहे, 1 मैच टाइर अप, +23 का स्कोर डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर दो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के बीच में मैच है। अरावली एरोज भाई यहां पर लास्ट सीजन की चैंपियन यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन है। वहीं अगर आप देखोगे पलानी टस्कर्स को, तो पलानी टस्कर्स भी भाई काफी ज्यादा अच्छा करती है हर एक सीजन में, लास्ट के 2-3 सीजन से। ठीक है, आप अगर बात करें भाई स्टार्टिंग 7 की, तो स्टार्टिंग 7 की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो चलिए भाई अब यहाँ पर बात करते हैं स्टार्टिंग 7 की, तो स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ पर अरावली एरोज से। अनुज सैनी, इनकी टीम का भाई वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर, भाई लास्ट सीजन लोकेश घोसले था, इस सीजन वो नहीं है, तो अनुज सैनी के ऊपर दारोमदार थोड़ा ज़्यादा रहेगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी ये रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे जसवीर सिंह, जो कि अगेन आपके लिए एक डिसेंट पिक रहने वाले हैं, मैं भी इन्हें अपनी टीम में एज ए मस्ट हैव पिक रखने वाला हूँ और आप इन दोनों को अपनी टीम में रख सकते हो, नो डाउट। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें आर पंचम सिंह की, तो इन्हें आप जीएल मिनीजल में ट्राई कीजिएगा। हाँ, अगर खेलता है तो जीएल मिनीजल में सीवीसी जरूर से जरूर एक दो टीम्स में ट्राई कर लीजिएगा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे, चेतन कुमार चौधरी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस है, लास्ट मैच में 5 टैकल है। इसके अलावा गंगाराम की बात करेंगे, ये लास्ट मैच में बिल्कुल फ्लोप रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मैच में भाई जैकपॉट परफॉर्मेंस देने के बाद भाई लास्ट मैच में आप देखोगे तो भाई कंप्लीटली फ्लोप रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन रहेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अनुज यादव, जो कि भाई जीएल मिनीजीएल में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इवन स्मॉल लीग में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जरूर से जरूर आप इन्हें अपनी टीम में बैक कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर विष्णु कुमार शर्मा, जो कि जीएल मिनीजीएल में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, लास्ट मैच में सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए, सुपर 10 लगा गए। वहीं अगर आप देखो युवराज चौधरी, सेकेंड लास्ट मैच में भी कुछ खास नहीं किया, लेकिन एक दो मैच छोड़कर एक दो मैच में अच्छा कर रहे हैं, जीएल मिनीजीएल में जरूर से बैक कीजिएगा। स्मॉल लीग में हालांकि मे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना रहे, बट लास्ट मैच में आप देखिए कितना परसेंट सिलेक्शन था, 11% और परफॉर्मेंस क्या आई भाई, 5 टच पॉइंट 1 बोनस पॉइंट। ठीक है, आप अगर बात करें भाई यहाँ पर सामने वाली टीम की, तो उनकी भी बात करना जरूरी है, तो चलिए भाई उनकी तरफ चलते। तो यहाँ पर देखिए एस थांगे वेलू लगातार अच्छा कर रहे हैं और इस सीजन अभी तक के भाई बेस्ट डिफेंडर बने हुए हैं, ठीक है, सभी टीम्स में से, और एक मैच इन्होंने मिस भी किया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आर पोलिंगम की बात करें तो लास्ट मैच में आप देखिए 1 टच पॉइंट और इसके अलावा 2 टैकल पॉइंट, बहुत ही प्लेयर रहेंगे, जरूर से जरूर बैक कीजिएगा। बात करेंगे भाई ऑलराउंडर सेक्शन की, तो एम कामराज को आप ट्राई कर सकते हो, लास्ट मैच में भाई देखिए काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की, 3 टैकल इन्होंने निकाले, अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। बात करेंगे रेडिंग सेक्शन की, तो लास्ट मैच में इनके मेन प्लेयर यानी कि भाई विश्वा असालवन नहीं खेले थे, जो लगातार हर एक मैच में चल रहे हैं, बट लास्ट मैच में उन्हें रेस्ट दिया गया था, लेकिन उसकी जगह पर भाई कौन कौन खेला था, डी कृष्णमूर्ति खेला था, जो कि डिसेंट परफॉर्मेंस देकर गया, 4 टच पॉइंट निकाले। एम दानेसर की बात करें तो इन्होंने भी भाई अच्छी परफॉर्मेंस दी, 5 टच पॉइंट 1 बोनस पॉइंट निकाला। इसके अलावा अगर बात करें इलाचियन की बात करें तो ये भाई थोड़े से फ्लोप साबित हुए, वहीं अगर आप देखोगे तो और तो कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर यहां पर नजर आएगा नहीं। अब अगर बात करें भाई टीम की, तो चलिए मैं आपको टीम बना के दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्त अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी, फाइनल अपडेट रहेगी, वो आपको वहीं पर मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं भाई टीम के बारे में, सबसे पहले भाई यहां से थांगे वेलू, अनुज सैनी, जसवीर सिंह और आर पोलिंगन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहां से चेतन कुमार चौधरी को टीम में रखेंगे। रेडिंग सेक्शन में अगर बात करें तो भाई
यहाँ से आपके लिए अनुज यादव इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप चाहो तो आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, और अगर देखिए आप इन्हें टीम में ट्राई कर रहे हो तो यहाँ से सामने वाली टीम की तरफ से मैं अभी के लिए भी एसालवन को ले रहा हूँ, जो कि मेरे को लग रहा है 99% खेलेगा। आप देखिए एक चेंज आप यहाँ पर आपको कर सकते हो, जो आपको मेरे हिसाब से लॉजिकली करना भी चाहिए। देखिए यहाँ से एक डिफेंडर को ड्रॉप करके मान लीजिए अनुज सैनी को मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, और या तो आप यहाँ से एम कामराज को ट्राई करो, या यहाँ से भाई आप अपनी टीम में कहाँ गए भाई एम दानेश्वर को ट्राई करो, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 4-3 का रेशियो हमें बनाना है इन फेवर ऑफ पलानी टस्कर्स, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ से अपनी टीम में इलांचियन को अपनी टीम में रख रहा हूँ। कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी देखिए वी एस आलवन के साथ जाएगी। वीसी की अगर बात करें तो स्थानीय वैल्यू को एज ए वीसी लेकर जाऊंगा। चेतन कुमार चौधरी को आप जीएल मिनीजीएल में सी वीसी कर सकते हो। स्मॉल लीग में मेरे हिसाब से आज के मैच में काफ़ी रिस्की रहेंगे क्योंकि वीक टीम के अगेंस्ट में परफॉर्मेंस देना अलग बात है, और टूर्नामेंट की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के सामने परफॉर्मेंस देना अलग बात है। तो यहाँ से भाई देखिए टीम आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। कोई भी अगर चेंजमेंट होता है या कुछ भी अगर अपडेट आती है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, सीधी सीधी भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो टीम को सेव कीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।